Question given is two points A and B move on the positive direction of x axis and y axis respectively, such that OA plus OB equals to K. Show that the locus of the foot of perpendicular from origin O on the line AB is x plus y into x square plus y square equals to KXY. तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये कोई लाइन है इस तरीके से. तो अगर हम इस पॉइंट को ले लें ए, ए इज ए कॉमा जीरो और बी पॉइंट है जीरो कॉमा बी, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कितनी होगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी. और हमें गिवन है कि डिस्टेंस का जो सम है ओ ए प्लस ओ बी इट इज इक्वल टू के, दैट मीन्स अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू के, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू के. ये हमें गिवन है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन. अब ओरिजिन से अगर कोई फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये कोई लाइन है जो परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, इसका अगर हम स्लोप देखें तो ये कितना होगा, ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए प्लस बी. तो इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप इज माइनस बी बाई ए. तो जो लाइन परपेंडिकुलर होगी, जो ये है, इसका स्लोप होगा माइनस वन अपॉन माइनस बी बाई ए, दैट इज ए बाई बी. तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है ए बाई बी. अब हमारे पास स्लोप आ गया, स्लोप इक्वल्स टू ए बाई बी, और पॉइंट है हमारे पास जीरो कॉमा जीरो. तो ये परपेंडिकुलर लाइन, इसका क्या होगा स्लोप, इक्वेशन वाई माइनस जीरो इक्वल्स टू ए बाई बी इंटू एक्स माइनस जीरो, दैट इज ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू जीरो. और हमें इक्वेशन गिवन है दूसरी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी. फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम दोनों, हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा, ताकि हम ये पॉइंट पी निकाल सकें, पॉइंट पी. तो अब ये पॉइंट पी के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से. तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू जीरो एंड बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. तो ये दोनों को ऐड करते तो x हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया. इसको अगर हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू ए एक्स बाई बी, दैट मीन्स y इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वन बाई बी, दैट इज y कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये हमारा y कोऑर्डिनेट है. अब p कोऑर्डिनेट है ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो अगर देखें तो x कितना होगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y है ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, दैट इज x प्लस y, तो ये होगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए बी, अगर कॉमन ले ले तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखें तो ये कितना होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. That means a square b to the power 4 plus a to the power 4 b square upon a square plus b square का whole square. तो ये हमें मिल जाएगा a square b square को common ले ले तो a square plus b square upon a square plus b square का whole square. तो ये term cancel out हो जाएगा और हमें मिलेगा a square b square upon a square plus b square. अगर हम x plus y into x square plus y square करें, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमें कितना मिलेगा, ए बी ए बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी को हम अगर बाहर ले लें तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, अभी हमने देखा के इक्वल है तो k
एक्स वाई, यही हमें प्रूफ करना था. सो हेंस प्रूफ दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर.